देश का पी एम कैसा हो? हम नहीं बने। अरे ये मत देश का पी एम कैसा हो? देश का पी एम कैसा हो? हम नहीं बने। अरे ये मत देश का पी एम कैसा हो? देखिए ना, ये सब चीज तो आप जानते ही ना, जब हो रहा है विपक्षी एकता के लिए, और फिर तो हम तो बात कर ही चुके, जब हम लोगों की बातचीत हो गई कांग्रेस पार्टी सब साथ ही बैठ करके ना बोले, अब भी बोले साथ बैठ करके, अब उनके ऊपर कार्रवाई या जो कुछ करता आप जान ही ना रहे। एक जगह जब सारा अपोजिशन, अधिक से अधिक अपोजिशन एक साथ जुड़ने की स्थिति पैदा हो रही है, तो जो लोग हैं केंद्र में उनको तो चिंता है ना, इसलिए पता नहीं क्या क्या करेंगे अभी, लेकिन ये सब करने से क्या होगा? होगा तो चुनाव हुआ ना। देश का पीएम कैसा हो? हम नहीं बने। अरे ये मत देश का पीएम कैसा हो? कल भी हम पार्टी ऑफिस में कह चुके हैं भाई मेरा नाम मत लीजिए, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक साथ लड़ेंगे चुनाव और मजबूती से आएंगे, और जब एक साथ सारी पार्टियां बैठेगी तो आगे का क्या क्या करना है हर चीज डिसाइड हो जाएगी और सब चीज को सार्वजनिक कर दिया जाएगा, और कौन पार्टी कहां किन सीटों पर लड़ेगी ये सब डिसाइड हो जाएगा, और एक साथ मिलकर के यात्रा पर भी सब निकलेंगे सर। सर यात्रा पर जो होगा परिणाम जनता मालिक फैसला करेगी। सर यात्रा पर भी निकलने वाला है सर, कब से माना जाए? करेंगे इसके बाद तो करेंगे ही ना, अभी तो हम शुरू फिर तो करवे किए थे, हम 7 महीना वेट कर रहे थे, फिर वहाँ से खबर आई तक है बात हो गई है, अब तो आप बिल्कुल हो रहा है ठीक होगा। अभी हमको भी जिम्मेवारी है कि कुछ लोगों से और बात कर लीजिए और फिर और लोग बात कर लेंगे, सब लोग एक साथ बैठ करके निर्णय ले लेंगे, ये तो कही दिए लोग। ममता जी से बात होगी सर? हाँ बात होगी, क्योंकि बात होगी, और आप देख रहे हैं कि हर 10 साल पर होता था, अब इतना साल बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं शुरू हुआ जनगणना, ये तो आश्चर्य की बात है कि आप समझ लीजिए कभी भी इतना डीले नहीं हुआ, और पहली बार पूरे देश में आप जनगणना हो ही नहीं रहा। अब जाति आधारित तो नहीं है माने, तो हम लोग तो यहाँ पर कर रहे हैं और अन्य राज्यों के लोगों की भी इच्छा है, तो अगर यहाँ पर होगा और देखेंगे कि बड़ा ठीक से हुआ है तो लोग भी इसी तरह से कुछ करने की। आरक्षण के दायरे पर भी असर पड़ेगा क्या मुख्यमंत्री? आरक्षण का जो दायरा है सब तो उसके बाद कीजिए, जब एक बार पूरा हो जाएगा तो इन सब चीजों के बारे में जो कहना होगा किया जाएगा, और खास करके जो गरीबी है उसको भी तो देखा जाएगा, सब लोगों के लिए तो मदद किया जाएगा, और अब इसके लिए कोई चिंता लोगों को तो करने का नहीं चाहिए, क्योंकि जो कह रहे हैं उसके लिए उसकी बनना चाहिए, तब तो इवन अपर कास्ट को भी तो किया नहीं गया 10% वो तो हो ही नहीं गया जी, और बाकी लोगों के लिए मैंने समझ लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति और लोगों के लिए है जो पिछले औरत के लिए कुल मिला करके है तो 50% के करीब, और 10% अपर कास्ट का हो गया, तो सब हो ही गया था, पूरी जनगणना हो जाए, वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग गणना करके बता देंगे ये स्थिति है, करना है नहीं करना वो जाने, लेकिन राज्य को तो अपने हिसाब से जो मदद करनी है लोगों की मदद करेगा।